नमस्कार, आज हम सीखेंगे शीर्षासन और हेड स्टैंड करने का तरीका। शीर्षासन से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और हमारा ब्लड फ्लो हमारे आईज, हमारे ब्रेन और स्कैल्प तक इंक्रीज होता है। तो आइए शीर्षासन सीखते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठिए। अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर खोलें और अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ की कोनी को पकड़ें और अब अपने उल्टे हाथ से अपने सीधे हाथ की कोनी को पकड़ें और अब दोनों हाथों को स्ट्रेच करें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे जमीन की ओर ले जाएं। दोनों हाथों को इस तरह नीचे रखें कि आपकी दोनों कोहनियां जमीन पे लॉक हो जाए और हिले ना। अब धीरे धीरे पीछे उठें और अपने दोनों हाथों को आगे की ओर खोलें और दोनों हाथ की उंगलियों से एक ग्रिप बनाएं। ध्यान रहे ग्रिप ज्यादा टाइट ना हो। अब अपना सर नीचे जमीन पे रखें और अपने हाथ से उसे सपोर्ट करें। अब आप अपने दोनों घुटनों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे चलते हुए आगे आएं। अब धीरे धीरे आप अपने सीधे पैर को ऊपर हवा में उठाएं और पीछे की तरफ खींचें। धीरे धीरे वापस आएं। अब अपने उल्टे पैर को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर खींचें। ध्यान रहे ये एक्सरसाइज करते वक्त आपके दोनों पैरों में खिंचाव आना जरूरी है। धीरे धीरे वापस आए और वापस वज्रासन में बैठ जाओ। ये एक्सरसाइज हमें दिन में 2 से 3 बार करनी। जब ये एक्सरसाइज हम सीखने लगेंगे उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमें दीवार के सहारे करनी। वापस उसी पोजीशन में चले जाएं। धीरे धीरे पैराबोर्ड है। पहले अपनी पीठ को दीवार पे लगा लें और एक एक पैर ऊपर उठाएं और दीवार से लगा लें। अब धीरे धीरे अपनी पीठ को दीवार से हटाएं और पैरों को दीवार पे लगे रहें। अब धीरे धीरे अपने एक पैर को दीवार से आगे लाएं और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस जाएं। अब दूसरे पैर को आगे लाएं। धीरे धीरे वापस जाएं। जब आपको लगे कि आप एक पैर से बैलेंस बनाना शुरू कर गए हैं तो अब धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे लाएं। वापस दीवार पर चलिए। जब आप ये एक्सरसाइज सीख जाएं तो जो तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज शीर्षासन के लिए जरूरी है उसमें आप दोनों पैरों को सीधा खोल लें और दीवार के सहारे लगा लें। धीरे धीरे अपनी पीठ को आगे करें और एक पैर को दीवार से आगे लें और अब बैलेंस बनाएं। धीरे धीरे वापस जाएं। ध्यान रहे जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपने आगे जरूर एक कुशन या सॉफ्ट चीज रखें ताकि अगर आप आगे की ओर गिरे तो आपको चोट ना हो। अब धीरे धीरे दूसरा पैर आगे लाएं। वापस जब आपको लगे कि आप एक पैर से बैलेंस बना रहे हैं तो आप धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे लाना शुरू करें। जैसे ही आपको लगे कि आप गिरने वाले हैं आप वापस दीवार पर चले जाएं और धीरे धीरे नीचे आ जाएं।
नियमित और लगातार अभ्यास से हम शीर्षासन सीख सकते हैं। अब मैं आपको शीर्षासन करके दिखाता हूं। शीर्षासन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो ताकि आपका बैलेंस बना रहे। आप अपने आसपास होने वाली सभी चीजों को भूल जाएं और एक चीज पर लगातार एकाग्रता बनाए रहें। धीरे धीरे वापस नीचे आ धन्यवाद।